तो आइए इस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट टॉपिक में आता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट बेसिकली क्या होता है, जब अपने एप्लीकेंट्स कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी जब अलॉट कर देती है उनको शेयर्स, तो कंपनी को एक उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट तैयार होता है, जिसके कंटेंट क्या क्या होते हैं। पहले तो जो उन्होंने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा उसके फर्स्ट तो ये, सेकेंड द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, थर्ड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, फोर्थ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर अलॉटेड। मतलब कि जो भी उन्होंने पूरी प्रोसीजर उसको सब मेंशन होती है, उन्होंने किस एप्लीकेशन अप्लाई करी, सेकंड कितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई करा, कितने शेयर अलॉट हुए, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट, रिक्वेस्ट दैट द अलॉटी शेल डिपॉजिट द रिक्वायर अमाउंट इन द कंपनीज बैंक। तो ये सारे एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्प्लिटिंग द लेटर द अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर का मतलब क्या होता है, जो अलॉटमेंट लेटर होता है, मान लो किसी एक पर्सन ने कंपनी में 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो कंपनी तो उसके लिए एक 500 शेयर्स का पूरा एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट बना देती है। अगर वो जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को रिक्वेस्ट करे कि मेरे को हर एक अपनी मेरे को अलॉटमेंट के लिए अलग रिसिप्ट चाहिए, अलॉट हर मान लो कि 500 के लिए उसको ये चाहिए, क्या है उसने मेरे को 5 अलॉटमेंट लेटर चाहिए 100 100 के, तो वो कहता है कि मेरे अगर वो कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को 5 लेटर चाहिए 100 100 शेयर्स के, तो कंपनी उसको इशू कर सकती है। ये होता है स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक रेन्यूशन ऑफ अलॉटमेंट। मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि जो उनके शेयर्स हैं वो खुद रखें, वो और किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी रेन्यूशन होता है वो भी एक अलॉटी के द्वारा ही किया जा सकता है, उसको और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। अब रही बात कि इस रेन्यूशन का प्रोसेस क्या होता है, पहली तो बात जब ये प्रोसेस जब कोई भी शेयर होल्डर इसके लिए अप्लाई जब कर सकता है, जब मेंबर ऑफ रजिस्टर बन गया, अलॉटमेंट हो गई, सर्टिफिकेट बन गया, इसके बाद तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। इसमें क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर है जिसको वो ट्रांसफ़र करना चाहता है वो लेटर ऑफ रेन्यूशन लिखेगा अलोंग विथ हिज एप्लीकेशन। वो जो जिसको जिसको लिख रहा है वो बंदा उस जो उसको रिसीव करके एप्लीकेशन लेटर को वो कंपनी में डिपॉजिट कर देगा, तो कंपनी को ये पता लग जाएगा कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो किसको ट्रांसफ़र करना है। और इसका एक मेन एडवांटेज क्या होता है, जो कंपनी को जो ट्रांसफ़र है जो शेयर्स का वो है फुल ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट फुलफिलिंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो इसमें आता है अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो भी अपने शेयर्स होते हैं वो अदर देन कैश इशू कर सकती है, सिवाय बोनस शेयर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू नहीं होते। तो इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कंपनी किस किस को और वो शेयर्स इशू कर सकती है कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका पहला प्रोसीजर है, पहले तो वो रिटर्न एक एग्रीमेंट जो सेंड करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ये कंपनी पहले अपने एक रिटर्न एग्रीमेंट सेंड करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिसमें मेंशन होगा कि वो अपने जो भी शेयर्स हैं वो इसको इशू करना चाह रही है रिगार्डिंग द उसने कोई भी उसकी सर्विसेज अवेल करी हैं और टू बी अवेल्ड इन द फ्यूचर, और कोई भी प्रॉपर्टी सेल करी है, परचेज करी है, कोई भी काम जो उसने उससे सर्विसेज अवेल करी है उसके जो उसके थ्रू उसके उसके लिए जो कंपनी इशू कर रही है, पहला प्रोसीजर ही हो गया। फिर स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सेकेंड है स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मतलब कि जो भी कितने शेयर्स इशू करेगी कंपनी औरों को एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी उसके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। और डिटेल अबाउट बोनस शेयर्स, उसके प्रोस्पेक्टस में ये भी मेंशन होना चाहिए बोनस शेयर कितने देगी कंपनी, किस किस को देगी, एड्रेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, जो भी पर्सन को बोनस शेयर दिए जाएंगे, और ये सारा का सारा फेस वैल्यू ऑफ सच मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द सारा का सारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और लास्ट है फोर्थ स्टेप डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जो भी कंपनी कंसिडरेशन अदर देन कैश दे रही है उसमें जो क्या काम कराया उसने,
उसकी एक कॉपी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को भेजेगी विद इन 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। ठीक है, तो अब इसको एक समराइज में करता हूँ। अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को हम क्या कैसे बोल सकते हैं, ये एक प्रोसीजर है। इसमें 4 steps है। फर्स्ट, जो भी एक रिटर्न एग्रीमेंट है, जो भी किस किस को शेयर्स इशू करेगी वो किस लिए कर रही है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजेगी। सेकंड, स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मतलब कि उसको प्रोस्पेक्टस में पता लिखना होगा कि वो कितने शेयर्स इशू करेगी एज अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद डिटेल अबाउट बोनस शेयर, इसमें क्या होगा, जो भी कंपनी बोनस शेयर देगी उसकी डिटेल किसको देगी, पर्सन का एड्रेस, प्रोफेशन क्या है, क्या काम करता है, ये। उसके बाद है डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि जो भी कंपनी ने उससे सर्विसेज अवेल करी, उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसकी फोटोकॉपी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को भेजेगी विद इन 30 days ऑफ द अलॉटमेंट। तो एक ये समराइज भी हो गया इसका।